एनिमल टिश्यूज में सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू एपिथेलियल टिश्यू में क्या है। अब इसमें हम ना ये देखते हैं कि द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यूज। जो कवरिंग टिश्यू होती है ना एनिमल बॉडी में, जो पूरी तरीके से प्रोटेक्शन का काम करती है एनिमल बॉडी में, उसको हम एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। तो एपिथेलियल टिश्यू कवरिंग टिश्यू और प्रोटेक्शन इन एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी में प्रोटेक्शन के लिए जो कवरिंग टिश्यू होती है उसी को एपिथेलियल टिश्यू बोलते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा, एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। ठीक है, कैविटी क्या होता है कि एम्प्टी स्पेस को कैविटी बोल देते हैं। ठीक है, तो जो एपिथेलियल टिश्यू है ना, एपिथेलियल टिश्यू के ही प्लूरल फॉर्म को बेटा हम एपिथेलियम बोल देते हैं। एपिथेलियल टिश्यू के प्लूरल फॉर्म को एपिथेलियम बोल देते हैं। तो यहां पर हम कहेंगे कि एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज। ज्यादातर जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबको ये कवर करता है एपिथेलियम। एपिथेलियल टिश्यू, बहुत सारी जो एपिथेलियल टिश्यू होती है एपिथेलियल टिश्यू के प्लूरल फॉर्म को हम बोलते हैं एपिथेलियम। तो एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज। ये ज्यादातर सभी ऑर्गन्स को और जितने भी एम्प्टी स्पेसेस हैं, जितनी भी कैविटीज हैं, उन सबको कवर करता है एपिथेलियम। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडीज सेपरेट। एक्ट्स एज अ बैरियर टू सेपरेट बॉडी सिस्टम्स। बॉडी सिस्टम्स क्या हो गए, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि एक सिस्टम तो हो गया हमारा नर्वस सिस्टम, जो मतलब पूरा ब्रेन में जो हमारे सिग्नल्स जाते हैं उन सारे के सारे सिग्नल्स को कंट्रोल करता है। एक तो हो गया नर्वस सिस्टम, एक दूसरा हो गया मस्कुलर सिस्टम, जो सारी के सारी मसल्स को कोऑर्डिनेट करता है, मसल्स को कंट्रोल करता है, वो मस्कुलर सिस्टम हो गया। तो नर्वस सिस्टम को मस्कुलर सिस्टम से डिफरेंशिएट करना, या मस्कुलर सिस्टम को हमारा जो ब्लड फ्लो का सिस्टम है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम है उससे सेपरेट करना, या सर्कुलेटरी सिस्टम जो ब्लड फ्लो का सिस्टम है उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम से सेपरेट करना। तो ये जो सेपरेशन का काम होता है ना, तो सेपरेशन का काम भी यही करता है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू एक्ट्स एज अ बैरियर, ये सभी सिस्टम्स के बीच की बाउंड्री का काम करता है। बताइए जी, ये तीनों पॉइंट्स क्लियर है अभी तक एपिथेलियल टिश्यू के? यस सर। ठीक है, उसके बाद देखिएगा नेक्स्ट, इसका अगला जो फंक्शन है वो क्या है कि द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग, एल्वियोली एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, तो एपिथेलियल टिश्यू से मतलब जो बने हुए होते हैं ऑर्गन्स वो कौन कौन से हैं जो एपिथेलियल टिश्यू से बनते हैं? हम बोलेंगे स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, स्किन लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग ऑफ माउथ, लंग एल्वियोली एंड किडनी ट्यूब्यूल्स, एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, ये जितने भी पार्ट्स हैं, ये जितने भी हमने बॉडी पार्ट्स की बात करी, ये जितने भी हैं ये सब एपिथेलियल टिश्यू के बनते हैं। जैसे कि हमारी स्किन, स्किन के अलावा हम ये देखेंगे जो लाइनिंग ऑफ माउथ, मतलब माउथ के अंदर का जो हिस्सा होता है, ठीक है,
वो, फिर लंग एल्वियोलाई जो लंग्स हैं वो इसके बनते हैं, और किडनी ट्यूब्यूल्स किडनी की जो ट्यूब्स होती हैं वो इसी की बनती हैं एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक, अगला देखते हैं जिसका फंक्शन नेक्स्ट फंक्शन है, एपिथेलियल टिश्यू सेल्स आर टाइटली पैक्ड एंड फॉर्म अ कंटीन्यूअस शीट। ठीक, तो एक कंटिन्यूअस शीट बना देते हैं, मतलब इनमें बीच में इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं होता, तो इसको मैं बोलूंगा टाइटली पैक्ड। जिनमें भी इंट्रासेलुलर स्पेस होता है बीच में उसको हम बोलते हैं लूजली पैक्ड, और जो टाइटली पैक्ड है मतलब बैक टू बैक कनेक्टेड है, टाइटली पैक्ड है, तो इसका मतलब उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रासेलुलर स्पेस तो है ही नहीं। ठीक है, इंट्रासेलुलर स्पेस नहीं है, तो ये एक पॉइंट हो गया इसका। नेक्स्ट देखिएगा एपिथेलियल टिश्यू का नेक्स्ट, नेक्स्ट है एनीथिंग एंटरिंग और लीविंग द बॉडी मस्ट क्रॉस एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम। कोई भी बॉडी में, कोई भी चीज अगर बॉडी में एंटर करती है, तो एनिमल बॉडी की बात कर रहे हैं, कोई भी जो चीज है वो अगर एनिमल बॉडी के अंदर एंटर करती है तो उसको एटलीस्ट एक लेयर एपिथेलियम का एक लेयर तो उसको एटलीस्ट कवर करना ही पड़ेगा, क्रॉस करना ही पड़ेगा। ठीक, अच्छा, एज अ रिजल्ट द परमिएबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटीरियल्स बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट एंड ऑल्सो बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक, ये क्या करता है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन बॉडी and surroundings and between different parts of the body. ठीक है बेटा, एक मिनट वेट करिए, मैं बस एक मिनट में आया, एक मिनट वेट करिए प्लीज। चलिए जी, अब अभी सारे पॉइंट्स एक बार ना दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा, एक एक बार आप लोग समझते चलिए। देखिए, नेक्स्ट है रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑल एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइन टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेटेड फ्रॉम each other by an extracellular fibrous membrane, extracellular fibrous membrane। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, एपिथेलियम के फिर मैं बात करूंगा, अलग अलग टाइप के जो एपिथेलियम होते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के जो एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, फिर हम उसकी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार सभी को यह बताना चाहता हूँ, जरा देख लीजिए एपिथेलियल टिश्यू के बारे में अगर पूछा जाए तो उसके फंक्शंस आप क्या क्या एक्सप्लेन करेंगे। ठीक, मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता रहा हूँ, नोट्स में आपको इसके भेज चुका हूँ एपिथेलियल टिश्यू के। देखिएगा, सबसे पहले हम ये बोल देंगे कि इट इज अ कवरिंग टिश्यू फॉर प्रोटेक्शन इन एनिमल बॉडी, एनिमल बॉडी के प्रोटेक्शन के लिए ये एक कवरिंग टिश्यू होती है। कवरिंग टिश्यू फॉर एग्जाम्पल आप ये देखेंगे कि मेरे बॉडी में अगर मान लीजिए मैं बोलता हूँ हाथ है, हाथ में अगर मसल्स हैं और बोन्स हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए स्किन की अलग अलग लेयर है, इस स्किन है, इसके अंदर एक लेयर और होगी, उसके अंदर एक लेयर और होगी, तो जो लेयरिंग होती है दैट लेयरिंग इज मेड अप ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ टिश्यू, उस टिश्यू को हम बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो बॉडी के एनिमल बॉडी के पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो एक्सटर्नल कवरिंग होती है, वो जो एक्सटर्नल कवरिंग है दैट इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एपिथेलियम कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज, बॉडी के ज्यादातर ऑर्गन्स को कवर कर लेते हैं एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, और ज्यादातर जो कैविटीज है, जो एम्प्टी स्पेसेस है, उनको भी कवर कर लेता है, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है इट एक्ट्स एज अ बैरियर टू सेपरेट बॉडी सिस्टम्स, बॉडी सिस्टम्स को, एक बॉडी के सिस्टम को दूसरे बॉडी के सिस्टम से सेपरेट करने के लिए जो बीच में बैरियर होता है, दैट बैरियर इज मेड अप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू।
बताइए जी, ये तीनों पॉइंट क्लियर है, तीनों फंक्शन क्लियर है सभी को? यस सर। यस सर। अनमोल बताइए क्लियर है? अनमोल क्लियर है? दिव्यांशी, आदित्य? यस सर। आदित्य, गरिमा, इंदर? यस सर। क्लियर? यस सर। ठीक है, युग, न्यासा? यस सर। शिवांश? ठीक है बेटा, हमने ये तीन पॉइंट्स देखे, फिर चौथा फंक्शन देखिए, स्किन लाइनिंग ऑफ माउथ, लंग एल्वियोलाई एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। जो हमारी स्किन होती है, माउथ के अंदर की लाइनिंग होती है, और किडनी ट्यूब्यूल्स होते हैं, लंग एल्वियोलाई होते हैं, ये सब एपिथेलियल टिश्यू के बने हुए होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि जितने भी एपिथेलियल टिश्यू है वो बैक टू बैक टाइटली कनेक्टेड होते हैं, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता। जैसे हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि कोई दो पार्टिकल्स के बीच के स्पेस को बोलते हैं हम इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, यहाँ पर दो सेल्स के बीच के जो सेपरेशन होता है उसको बोलते हैं इंटर सेलुलर स्पेस। यहाँ पर किसी भी तरीके का कोई इंटर सेलुलर स्पेस नहीं होता, बिकॉज दे आर टाइटली पैक्ड। उसके बाद अगला फंक्शन, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग्स एंड बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। अगर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी के बीच में एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है तो उसमें भी यही एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक्सचेंज ऑफ मटीरियल कैसे है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि लंग्स से ऑक्सीजन मेरे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुई, तो लंग्स ने जो है, लंग्स ने क्या करा, लंग्स ने ऑक्सीजन को लिया कहां से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से। तो बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग्स, तो बॉडी में क्या हो गया, हमारा नोज हो गया, तो नोज ने बाहर से ऑक्सीजन लिया, वो जो ऑक्सीजन लिया नोज ने और फिर उसको ट्रांसफर कर दिया कहां, लंग्स के पास में। तो ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी मौजूद है और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स भी है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट क्या हो गया, बाहर का एनवायरनमेंट, वहां से तो ऑक्सीजन खींच लिया नोज ने, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन बॉडी एंड सराउंडिंग, मतलब नोज के और बाहर की सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसने ऑक्सीजन लिया साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया, ठीक है। फिर क्या हुआ कि नोज से हमारे लंग्स तक पहुंचा ऑक्सीजन, यानी कि एक बॉडी पार्ट नोज है, दूसरा बॉडी पार्ट है लंग। तो नोज से लंग तक ऑक्सीजन का पहुंचना, ये क्या हो गया, बिटवीन डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। तो पहले नोज और एक्सटर्नल सराउंडिंग क्या था, कि बॉडी एंड सराउंडिंग, फिर था डिफरेंट बॉडी पार्ट्स यानी कि नोज और लंग्स के बीच में ऑक्सीजन का ट्रांसफर। तो ये जो होता है, दिस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई एपिथेलियल टिश्यू। ये जो प्रोसेस है ट्रांसफर ऑफ मटीरियल, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, दिस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाई एपिथेलियल टिश्यू। एक ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। भाई एपिथेलियल टिश्यू बहुत सारे होंगे, एक ही थोड़ी होगा, बहुत सारे होंगे। दे आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइबरस मेम्ब्रेन, ठीक है। एक फाइबरस, फाइबर मतलब बहुत बारीक 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 फाइबर्स का एक पूरा का पूरा शीट बनी होती है। शीट मतलब मेम्ब्रेन, जो शीट होती है शीट को मेम्ब्रेन बोल देते हैं। तो अब ये तो एपिथेलियल टिश्यू का फंक्शन हो गया, अगर ये पूछा जाए तो आप ये बताएंगे। उसके अलावा फिर आप, अगर एपिथेलियल टिश्यू के अलग अलग टाइप्स होते हैं तो पहले उनकी बात करते हैं। टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू, फर्स्ट है स्क्वैमस एपिथेलियम, सेकंड है स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम, थर्ड है कॉलमर एपिथेलियम, और बेटा फोर्थ है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो चार तरीके के एपिथेलियल टिश्यू होते हैं, ठीक है। अब जरा देखिएगा, अब सबसे पहले मैं स्टार्टिंग करता हूँ स्क्वैमस एपिथेलियम से। तो स्क्वैमस एपिथेलियम जो है, ये आपका
इसका इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। स्क्वामस एपिथेलियम का ठीक है, तो स्क्वामस एपिथेलियम ऐसा होता है जैसे कि आप ये देखेंगे कोई बारीक सी एक पतली सी कोई शीट हो, है ना, इस तरीके का होता है स्क्वामस एपिथेलियम। अब स्क्वामस एपिथेलियम के फंक्शंस क्या होते हैं जरा ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम ये बोलते हैं इन सेल्स वाइंडिंग ब्लड वेसल्स और लंग एल्वियोलाई वेयर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सब्सटेंसेस अकर्स through a selectively permeable surface, there is a simple flat kind of epithelium and this is called the simple squamous epithelium. ठीक है, तो simple squamous epithelium ये कहाँ पर होता है? It is found in cells lining it is found in cells lining blood vessels cells lining blood vessels or lung alveoli yahan milega where transportation occurs। तो हमने ये बोला कि जैसे मैंने जनरली आपको बताया कि एपिथेलियल टिश्यू के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, तो उनमें से एक फंक्शन ट्रांसपोर्टेशन का भी है। तो हमने कहा कि जहां पर ट्रांसपोर्टेशन होता है जहां पर भी, जैसे कि मैंने बोला लंग एल्वियोलाई है, लंग का मैंने आपको एग्जांपल भी दिया। लंग में क्या होगा? ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ मटीरियल, ये लंग्स ऑक्सीजन लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को लिबरेट करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से जो ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल्स में क्या होगा? ब्लड वेसल्स में जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसको आप साफ ब्लड बोलते हैं और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसको आप गंदा ब्लड बोलते हैं। तो वो जो साफ ब्लड और गंदा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, उनका भी एक्सचेंज होता है। तो वो भी जो एक्सचेंज है, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसफर, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, वो जहां पर भी शामिल होगा ना, वहां पर एपिथेलियल टिश्यू का कौन सा वाला पार्ट काम करेगा? स्क्वैमस एपिथेलियम। हम ये बोलेंगे एपिथेलियल टिश्यू चार तरीके की होती है। तो स्क्वैमस एपिथेलियम कहाँ मिलेगा? जहां पर भी ट्रांसपोर्टेशन, जहां पर भी अकर होता है। ठीक, अच्छा, वेयर ट्रांसपोर्टेशन अकर्स। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फॉर्म देखते हैं स्क्वैमस एपिथेलियम का, इसको ना, तो स्क्वैमस एपिथेलियम को हम सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम भी बोल देते हैं। अब देखिएगा, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट एंड फॉर्म एन डेलिकेट लाइनिंग। अब ये होते कैसे हैं? एक्सट्रीमली थिन एंड फ्लैट, काफी पतले और एकदम फ्लैट होते हैं। आप देखिएगा इसका स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल फ्लैट है। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, फिर है द इसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर आल्सो कवर्ड विद स्क्वैमस एपिथेलियम। इसोफेगस जानते हैं बताइए? इसोफेगस जानते हैं आप सब बच्चे? यस सर। क्या होता है बताइए? फूड पाइप। फूड पाइप, बिल्कुल ठीक, कवर्ड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम। इसोफेगस हो या लाइनिंग ऑफ माउथ हो, ये स्क्वैमस एपिथेलियम ही इसको कवर करता है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है द स्किन व्हिच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज आल्सो मेड अप ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम। द स्किन इज आल्सो मेड ऑफ स्क्वैमस एपिथेलियम, शॉर्ट में लिख रहा हूँ SQEP, स्क्वैमस एपिथेलियम। उसके बाद देखिएगा अगला पॉइंट है, स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। मैंने आपको बताया था कि जो स्किन होती है, स्किन मेरे को जो बाहर से दिखाई दे रही है, एक तो वो है, ऊपर से क्या होता है कि स्किन की कई लेयर होती है। अगर मान लीजिए ऊपर, आप कई बार नोटिस करेंगे कि जैसे चोट लग जाती है, तो चोट लगने के बाद जैसे स्किन थोड़ी सी छिल जाती है, तो अंदर से एक और लेयर आती है स्किन।
ठीक है, तो हम ये कहते हैं कि स्किन की एक ही लेयर नहीं होती, स्किन की काफी सारी लेयर्स होती है। तो वही डिस्कशन यहाँ पर करना है। स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स टू प्रिवेंट वियर एंड टियर, मतलब चोट वगैरह लगने में प्रोटेक्शन का काम करती है, क्योंकि स्किन की काफी सारी लेयर्स होती है। सिंस दे आर अरेंज्ड इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, द एपिथेलियम इज कॉल्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड के लिए बस एक ही चीज का हमको ध्यान रखना है। अगला वाला है स्ट्रेटिफाइड, अगला है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। इसमें क्या है कि स्किन लेयर्स आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर पैटर्न टू प्रिवेंट वियर एंड टियर। वियर एंड टियर वही चोट वगैरह लग जाना, शरीर पर कहीं चोट लग जाना। ठीक, तो ये एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज होते हैं, इसलिए इनको हम बोल देते हैं स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक है, आप ये कहेंगे कि स्ट्रेटिफाइड का मतलब क्या है, जैसे स्ट्रेटिफाइड का मतलब है बेटा कि ये शब्द बना है स्ट्रेटेजिक से, स्ट्रेटेजिक। तो स्ट्रेटेजी क्या होती है कि किसी भी चीज को एक प्रॉपर पैटर्न में आप फॉलो करें, एक प्रॉपर पैटर्न में किसी भी काम को करना, इज नोन एज स्ट्रेटेजिक, है ना। तो उसी चीज से ये बना है स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। तो ये टाइप है स्क्वैमस एपिथेलियम की, लेकिन हमने क्या करा कि हमने इसको एक अलग कैटेगरी में डाल दिया। जो अलग अलग स्किन की लेयर्स होती हैं वो एक प्रॉपर पैटर्न में अरेंज होती हैं, एंड दैट्स व्हाई दिस कम्स अंडर स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। ठीक, तो इसका डायग्राम कुछ इस तरीके का होगा। और ऐसे ही यहाँ पर भी आपको काफी सारे सेल्स दिखाई देंगे। और सेल्स के बाद में आपको काफी सारी ना लेयरिंग दिखाई देंगी, ये ऊपर की तरफ काफी सारी लेयरिंग होगी। तो ये जो बारीक बारीक थिन और ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फ्लैट्स जो लेयरिंग है ना, दिस लेयरिंग इज द लेयर्स ऑफ स्किन। ये स्किन की अलग अलग लेयर्स है, और फिर नीचे टिश्यूज हैं, तो वो टिश्यूज आप किसी भी तरीके से आप बनाकर दिखा दीजिए, पिट्स वगैरह बनाकर दिखा दीजिए यहाँ पर। ठीक है ना, ये आप देख लीजिए। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि स्ट्रेटिफाइड के बाद बेटा नेक्स्ट देखते हैं हम कॉलमर एपिथेलियम। ठीक है, ये एपिथेलियल टिश्यू है, सबको समझ में आ रहा है ना, बताइए प्लीज। बिल्कुल शांत बैठे हुए हो, जब से बायो पढ़ा रहे हैं आवाज कम आती है तुम्हारी, थोड़ा कम इंटरेस्टिंग लगता होगा शायद। क्यों इंदर समझ में आ रहा ना? Yes, sir. चलिए जी, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम के बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है हमारा कॉलमर एपिथेलियम। COLUMNAR कॉलमर एपिथेलियम। ये जो कॉलमर एपिथेलियम है ऑल्सो कॉल्ड ciliated polymer epithelium, इसको ciliated polymer epithelium भी बोलते हैं और simply polymer epithelium भी बोलते हैं। अब क्या होता है इसमें,
यहाँ पर वेयर एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन अकर एज इन द इनर लाइनिंग ऑफ द इंटेस्टाइन टॉल एपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर किसी भी चीज का अगर एब्जॉर्प्शन हो रहा है बॉडी में, टिश्यू में, अगर किसी भी सब्सटेंस का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या किसी भी चीज को सीक्रेट कर रही है बॉडी, तो हम ये बोलेंगे वो होता है कोरोना एपिथेलियम की वजह से, एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन। एब्जॉर्प्शन एंड सीक्रेशन ऑफ मटेरियल्स का काम यही करता है कोरोना एपिथेलियम एनिमल टिश्यूज में। दिस कोरोना एपिथेलियम फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस एपिथेलियल बैरियर, ठीक, इट फैसिलिटेट्स movement across epithelial barrier। क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हमने बोला कि अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं, तो मैं ये चीज पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ कि जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं ना, उन बॉडी पार्ट्स को सेपरेट करने में जो बैरियर का काम है वो कौन करता है, यही एपिथेलियल टिश्यू करता है। जो बॉडी पार्ट्स अलग अलग सेपरेट होते हैं तो उसमें जो बैरियर का काम है वो बैरियर का काम भी यही करता है एपिथेलियल टिश्यू। अब अगर उन बैरियर्स के अक्रॉस कोई भी ट्रांसपोर्टेशन होना है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होना है, ठीक है, उन बैरियर्स के अक्रॉस, कि भाई अगर मान लीजिए बैरियर के इस तरफ तो लिवर है और बैरियर के इस तरफ किडनी है, तो अगर किडनी से लिवर में और लिवर से किडनी में कोई मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन होना है तो दैट इज फैसिलिटेटेड, मतलब दैट इज सपोर्टेड बाई दिस कोरोनर एपिथेलियम। तो कोरोनर एपिथेलियम का ये काम है कि बैरियर्स के अक्रॉस मूवमेंट करवाना, बॉर्डर के इस तरफ और बॉर्डर के उस तरफ सामान का लाना और ले जाना, दैट इज बिकॉज ऑफ एपिथेलियम, कोरोनर एपिथेलियम। बेटा क्लियर है ये वाला पॉइंट? यस सर। यस सर। ठीक है जी, फिर हम बोलते हैं कि इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इंपॉर्टेंट है, इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट कॉलमर एपिथेलियम ऑल्सो हैज सीलिया, सी आई एल आई ए, सीलिया क्या होता है बेटा, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस, हेयर लाइक प्रोजेक्शन मतलब बहुत बारीक बारीक जैसे थ्रेड होते हैं ना, तो थ्रेड के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं सिलिया, ठीक। तो इट आल्सो हैज सिलिया यानी कि हेयर लाइक प्रोजेक्शंस एंड दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड सिलिएटेड एपिथेलियम, क्योंकि उसमें सिलिया होता है इसीलिए इसको सिलिएटेड एपिथेलियम भी बोल देते हैं, जो मैंने शुरुआत में लिखवाया था, दे आल्सो कॉल्ड सिलिएटेड कॉलमर एपिथेलियम, ठीक है, ये भी कह देते हैं इसी वजह से इसको। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद जो नेक्स्ट है कॉलमर एपिथेलियम का जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है दिस सिलिया, दिस सिलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट, दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज दस सिलिएटेड कॉलमर एपिथेलियम, ठीक है। तो क्या होता है कि ये जो सिलिया होता है, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, तो ये म्यूकस को भी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर बाहर फेंक देते हैं, थ्रो आउट कर देते हैं। म्यूकस आप जानते होंगे कि जो हम सांस लेते हैं तो सांस के साथ में कुछ इम्प्योरिटीज भी चली जाती हैं, कुछ भाई गंदगी भी होती है एटमोसफियर में, तो ऑक्सीजन के साथ अगर कोई गंदगी भी जा रही है तो वो गंदगी जो हमारी नाक जो होती है नॉस्ट्रल्स के अंदर छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं बारीक बारीक, उसको सिलिया बोलते हैं। तो वो जो हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं वो उन गंदगी को हमारे हेयर्स जो हैं, जो सिलिएटेड स्ट्रक्चर है नाक के अंदर, वो उसमें रुक जाता है और प्योर ऑक्सीजन अंदर चली जाती है। तो अब होता क्या है कि उसकी वजह से आप नाक साफ करते हैं तो नाक में से, आपने देखा होगा जब बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड एनवायरमेंट में आप कहीं चले जाते हैं तो नाक साफ करते हैं तो ब्लैक कलर का एकदम कचरा बाहर निकलता है, तो उसी को ब्लैक कलर का हो या व्हाइट कलर का हो किसी भी तरीके का नाक साफ करते टाइम जो बाहर निकलता है जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसी को बोलते हैं म्यूकस। तो सिलिया का काम ये भी होता है कि म्यूकस को बाहर फेंकना, ठीक, तो म्यूकस को बाहर फेंकने का काम भी यही करता है कॉलमर एपिथेलियम।
सभी बच्चों को क्लियर है बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये जो कॉलमर एपिथेलियम है, कॉलमर एपिथेलियम इसका ना बड़ा अलग सा स्ट्रक्चर होता है। देखिए इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि जैसे हमने बनेगा सारा क्यूबॉइड की ही शेप का, ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ऐसा लगता है जैसे लंबे लंबे ना ट्यूब्स रखी हुई हो। कॉलमर एपिथेलियम में ऐसा लंबा लंबा सा स्ट्रक्चर होता है। जिस तरीके के होते हैं उसमें गियर लाइक प्रोजेक्शंस, ठीक, ये होता है हमारा कॉलमर एपिथेलियम। कॉलमर एपिथेलियम के बाद में बेटा लास्ट है इसमें जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू में लास्ट हमारा है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। तो ये हमारे चार फंक्शंस हो गए कॉलमर एपिथेलियम के, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम का सिंपल फंक्शन स्किन लेयरिंग वाला, और स्क्वैमस एपिथेलियम के ये चार फंक्शंस। उसके बाद हमारा जो लास्ट है इसमें एपिथेलियल टिश्यू में वो है बेटा क्यूबॉइडल एपिथेलियम। अक्षत क्लियर है? अक्षत, न्यासा, प्रोजेक्टर? यस सर। यस सर। अक्षत ऑनलाइन हो? नहीं, अब देखिएगा क्यूबॉइडल एपिथेलियम विद क्यूब शेप्ड सेल्स फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्स एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट। क्यूबॉइडल एपिथेलियम ये क्या करेगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम की क्यूब की जैसी शेप होती है, फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड डक्ट्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूब्यूल्स एंड ducts of salivary glands, salivary glands जो saliva होता है उनमें salivary glands जो है उनकी duct यही बनाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, और किडनी ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग है वो भी यही बनाता है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद सुनिएगा जी, एक मिनट, अगला देखिए, अगला इसका क्यूबॉइडल एपिथेलियम का अगला फंक्शन क्या है, इसमें है एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स व्हिच कैन सीक्रेट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस, समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फोल्ड्स इनवर्ड एंड अ मल्टीसेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड, ठीक। तो जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम है, क्यूबॉइडल एपिथेलियम में तो आपको इतना ही करना है, ठीक। क्यूबॉइडल एपिथेलियम का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर देख लीजिए कैसा बनेगा, ये इस तरीके का होने का देखिएगा, ये नीचे तो आपने ऐसे ही बना देना है,
और इसके ऊपर ऐसे क्यूबॉइडल शेप बन जाते हैं इसमें, ऐसा लगता है जैसे अलग अलग क्यूबॉइड रखे हुए हों, इसीलिए इसको बोल देते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसको क्यूबॉइडल एपिथेलियम बोल देते हैं, ऐसा लगता है जैसे अलग अलग क्यूबॉइड रखे हुए हों छोटे छोटे, तो इसको बोल देते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ये है, उन्होंने बोला है कि जो एपिथेलियल सेल्स है ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स व्हिच कैन सीक्रेट सब्सटेंसेस एट द एपिथेलियल सरफेस। ठीक, तो अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जो एपिथेलियल टिश्यू है वो एक एडिशनल फंक्शन भी परफॉर्म करने लगता है, क्या करने लगता है कि उसमें जो एपिथेलियल टिश्यू है, एपिथेलियल टिश्यू जो है, एपिथेलियल टिश्यू कभी कभी ना ग्लैंड का फंक्शन भी करने लगता है। समटाइम्स epithelial tissue acts as a gland and secrete hormones। gland का काम क्या होता है? hormones secrete करना। in that case it is called ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। समझिए ना, तो कभी कभी एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, वो ग्लैंड का काम भी करता है और ग्लैंड्स का काम होता है हॉर्मोन्स को सिक्रीट करना। तो इन दैट केस जो एपिथेलियल टिश्यू है उसको ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू भी बोला जाता है। बताइए बेटा, एपिथेलियल टिश्यू सभी बच्चों को क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए जी, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा टाइप आती है एनिमल टिश्यू की, पहली हो गई एपिथेलियल टिश्यू, दूसरी है बेटा कनेक्टिव टिश्यू। तो कनेक्टिव टिश्यू स्टार्ट करते हैं। देखिएगा कनेक्टिव टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू क्या होती है, ये जैसे हम बोलते हैं कि एक टिश्यू जो दूसरे टिश्यूज को या दूसरे ऑर्गन्स को कनेक्ट करे तो उसको हम बोल देते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अब जो ब्लड है, ब्लड भी एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू ही होता है। तो द सेल्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू आर लूजली स्पेस्ड एंड एम्बेडेड इन एन इंट्रासेलुलर मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स में भी जेली लाइक फ्लूइड डेंस और रिजिड। The nature of matrix differs in concordance with the function of the particular connective tissue. अब इसमें क्या होता है कि matrix का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज जो columns में और rows में arrange कर रखा होगा किसी को, तो उसको matrix बोलते हैं। तो जो connective tissue है ना, connective tissue, ये इस तरीके की मैट्रिक्स में अरेंज होती है, ऐसे
आप ये देखिएगा यहाँ पर 1 2 3 4 फोर रोज है एंड 1 2 3 4 फोर कॉलम्स है। तो इस तरीके का जो नेटवर्क बन जाता है ना, देखने से ऐसा लगता है जैसे कि एक जाल हो, जैसे कि एक ट्रैप हो, ठीक। तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, ठीक। तो ये जो है कनेक्टिव टिश्यू एक तरीके का मैट्रिक्स बना देता है, एक मैट्रिक्स वाला स्ट्रक्चर बनाता है। अच्छा, ब्लड हैज अ फ्लूइड मैट्रिक्स कॉल्ड प्लाज्मा इन व्हिच रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स आर सस्पेंडेड। The plasma contains proteins, salts and hormones. Blood flows and transports gases, digestive food, hormones and waste materials to different parts of the body. ठीक, तो हमने ये बोला कि जो connective tissue है, तो connective tissue का अगर example की बात करेंगे तो blood जो है वो एक connective tissue का ही example है। अच्छा, जो एक चीज को दूसरी चीज से connect करता है, तो होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमने सांस लिया ना, हम सांस लेते हैं तो हमने जैसे ही ऑक्सीजन को लिया, हमने जैसे ही ऑक्सीजन को इनहेल करा, तो इनहेल करते ही होता क्या है कि हमारा जो ब्लड है, हमारे ब्लड में ना ऑक्सीजन मिक्स हो जाती है और फिर ब्लड क्या करता है, ब्लड पूरी बॉडी में घूमता है और हमारे बॉडी के जितने भी सेल्स हैं सभी सेल्स को जिंदा रहने के लिए, सभी सेल्स को प्रॉपरली फंक्शन करने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है। तो ब्लड क्या करता है, वो हर एक सेल को, हर एक ऑर्गन को वो ट्रैवल करता रहता है, हर एक को ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट करता जाता है। अब ब्लड की प्रॉपर्टी होती है कुछ ना कुछ कैरी करने की, तो ब्लड जब ऑक्सीजन अपने अंदर लेकर और ऑक्सीजन को चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट करता हुआ चलता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि जो ब्लड है, ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या होता है उस टाइम, क्यों, क्योंकि उस टाइम ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करता है। फिर क्या होता है कि जैसे वो किसी भी सेल को ऑक्सीजन देता जाता है, तो सेल भी तो हम जैसे हम सांस लेते हैं ना, तो हम एक पूरी बॉडी है और हमारी बॉडी छोटे छोटे सेल से मिलकर बनी है। इसका मतलब हमारी बॉडी का हर एक सेल हर वक्त सांस ले रहा है, तो जितने भी सेल्स हैं वो अगर जरा सी भी ऑक्सीजन ले रहे हैं, तो जरा सी ऑक्सीजन लेते हैं तो वो जरा सी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी है। तो जो ब्लड होता है, ब्लड की प्रॉपर्टी होती है कुछ भी कैरी करने की, तो ब्लड ऑक्सीजन तो सबको देता चला जाता है और सारे सेल से कार्बन डाइऑक्साइड लेता चला जाता है, और फिर जाते जाते जब बाहर निकलता है हमारी सांस के थ्रू, जब सांस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, तो ब्लड क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है लंग्स तक पहुंचकर, और लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। तो ब्लड का काम होता है हमेशा, ब्लड ऐसा ही नहीं है कि कोई ऐसे फ्लूइड है जो ऐसे ट्रेवल करता जा रहा है, फालतू में फ्लो कर रहा है, नहीं, ब्लड के अंदर ही ऑक्सीजन होती है और ब्लड ऑक्सीजन को पूरी बॉडी में सर्कुलेट करके पूरी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर वापस लंग्स को दे देता है। सभी बच्चों को समझ में आ गया ये ब्लड का रोल, बताइए सब yes. है ना yes. हाँ जी। इसके बाद देखिएगा, हम ये कहेंगे जैसे ब्लड तो एक एग्जांपल हो गया इसका कनेक्टिव टिश्यू का, उसके बाद हम ये कहेंगे कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, कनेक्टिव टिश्यू की कुछ टाइप्स भी होती है क्या, वो देखते हैं। Types of connective tissue. Types of connective tissue में ये आ जाएगी alveolar tissue, alveolar tissue, second adipose tissue, third compact bone, fourth है hyaline cartilage, hya कहना यानी hyaline cartilage, और fifth है types of blood cells, types of blood cells। ये अलग अलग तरीके की, ये सब connected tissue है। तो अगर मान लीजिए
अच्छा बेटा एक मिनट, देखिए सबसे पहले हम ब्लड सेल्स की बात करते हैं, क्योंकि ब्लड सेल भी एक तरीके का कनेक्टिव टिश्यू है। तो ब्लड के अंदर क्या क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। हम ये कहते हैं कि इसमें ये पहले लिखिए प्लाज्मा, इसके अंदर प्लाज्मा होता है, कंटेन्स प्लाज्मा विच हैज, इसके अंदर प्लाज्मा होता है और प्लाज्मा के अंदर ये तीनों चीजें होती है, आरबीसी, रेड ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। ये तीन चीजें होती हैं ब्लड सेल्स के अंदर। उसके बाद प्लाज्मा के अंदर कुछ और भी होता है, प्लाज्मा कंटेन्स, प्लाज्मा ऑल्सो कंटेन्स सॉल्ट्स, हार्मोन्स एंड प्रोटीन्स। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा के अंदर सॉल्ट्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं और proteins भी होते हैं। They contain salts, hormones and protein. Blood flows and transport gases, digestive food, hormones and waste material to different parts of the body. बस ये तीसरा function और बता रहा हूँ आपको कि blood क्या करता है। Blood flows and transports, flows and transports gases, blood flows and transport gases, क्या क्या transport करता है blood, gases, digestive food, hormones and waste materials, and waste materials। ठीक है, तो ब्लड के ये फंक्शंस होते हैं। अब ब्लड के फंक्शंस हम स्टडी इसलिए कर रहे हैं, ब्लड के फंक्शंस इसलिए स्टडी कर रहे हैं क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड भी एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, बताइए जी ब्लड के फंक्शंस क्लियर हैं? ब्लड के अंदर बस तीन चीजें आपको ये करनी है और ज्यादा डिटेलिंग आपको नहीं करनी है। ब्लड के अंदर हमने कहा कि ब्लड के अंदर प्लाज्मा होता है, प्लाज्मा के अंदर आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट ये तीनों चीजें मिलती हैं। प्लाज्मा के अंदर सॉल्ट्स भी होते हैं, हार्मोन्स भी होते हैं और प्रोटीन्स भी होते हैं। और जो ब्लड है, ब्लड फ्लो करता है और ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस, डाइजेस्टिव फूड, हॉर्मोन्स एंड वेस्ट मटेरियल्स। बताइए जी क्लियर सब बच्चों को? यस सर। आदित्य क्लियर है? यस सर। ठीक है, दिव्यांशी? यस सर। युग आवाज आ रही है? यस सर। चलिए आज तो नेटवर्क स्टेबल है तुम्हारा। चलिए जी, फिर उसके बाद हम एक दूसरी टिश्यू की बात करते हैं। एक दूसरी टिश्यू है वो है बोन्स। जैसे ब्लड सेल्स है इसी तरीके की दूसरी टिश्यू है बोन्स। देखना टाइम बचा है, बोन थोड़ा सा रुका है बेटा। एक काम करिए,
इतना कर लीजिए, इसके बाद का फिर कल कराता हूँ मैं, ठीक है? इतना कर लीजिए बस, इसके बाद का कल कराता हूँ। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। और हाँ अक्षत, यस सर, जो एपिडर्मिस है ना,